Hello everyone, in this video I am discussing business law important topics which you have to do for cracking CA foundation exam November attempt. So let's start. Type of questions, किस type का question आएगा? तो direct question आएगा 9 marks का, प्रैक्टिकल या केस स्टडी क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट वाइज, मतलब सारा टॉपिक्स. पहला एक्ट जो कि मैं बताना चाहूँगा वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, जो कि 16 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि अनपेड सेलर का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स ये आ सकता है एग्ज़ाम में. कैवर्ट एक्सेप्शन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसका एक्सेप्शन आ सकता है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, गुड्स एंड डिलीवरी रिलेटेड टर्म्स वो आ सकता है एग्ज़ाम में. ये टोटल ना 16 मार्क्स का आएगा ये सब मिला के. वैन कंडीशन इज़ टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब कब कंडीशन को हम लोग वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे वो आ जाएगा. अब हम लोग बढ़ते हैं LLP एक्ट 2008 की तरफ, जो कि 5 मार्क्स का है. इससे मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में. मीनिंग एंड फीचर्स, इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स स्टेप्स, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड वाइंड अप ऑफ LLP, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. CA फाउंडेशन में इस क्वेश्चंस को के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप इसे करके जाइएगा. बिजनेस लॉ, अब बढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि 13 मार्क्स का है, जिससे 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. पहला क्वेश्चन हो सकता है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में बताइए, व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड, और उसको कब लिफ्ट किया जा सकता है. OPC एंड इट्स फ्यूचर्स, OPC और उसके फ्यूचर्स के बारे में बताइए, जैसे नॉमिनी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब बताइए. डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताइए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट क्लाउज, हु इट कैन बी एल्टर्ड, हाउ इट कैन बी एल्टर्ड, उसके बारे में बताइए. गारंटी कंपनी क्या होता है उसके बारे में बताइए. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है. पहला क्वेश्चन है माइनर पोजीशन इन पार्टनरशिप आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, और उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका क्या क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब देख लीजिएगा. माइनर का पोजीशन इन पार्टनरशिप आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके बारे में बताइए, ये आ सकता है. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, ये आ सकता है टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सभी. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव ऑफर, कंक्लूसिव प्रूफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, फिर काइंड्स ऑफ पार्टनर आ सकता है. देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिससे कि 22 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है.
टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड टू डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और दो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कंसीडरेशन, इसमें एक मोस्ट पॉपुलर केस है चिन्मैया वर्सेस रमैया, वो पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस, लिक्विडिटी डैमेज, ये देख लीजिएगा। पेनल्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी। और एक क्वेश्चन, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।